हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके तो गाइस आज की वीडियो में मैं गणेश जी की इस वाले ड्राइंग को पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा और आप लोगों को कुछ कुछ जगह में बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इस ड्राइंग को किया हूं। मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूं एक्रेलिक पेंट की मदद से। इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप लोग वहां से ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो ड्राइंग रिलेटेड तो उसे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताना। तो बिना देरी किए चलिए ड्राइंग को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे पहले ब्राउन कलर की मदद से गणेश जी की बॉडी में जो भी एकदम डार्क पहलूज है उसके ऊपर पहले काम कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ब्राउन कलर और ब्लैक कलर को मिक्स करके यूज़ किया हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं किस तरीके से ब्राउन कलर को यूज़ कर रहा हूँ डार्क पहलूज के ऊपर। ओके तो गाइस डार्क वैल्यूज के ऊपर कलरिंग कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली गणेश जी की बॉडी के ऊपर एक मिडिल वैल्यू बना ले रहा हूँ, जिसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउन कलर और रेड कलर का यूज किया हूँ। ओके तो अब मैं यहाँ पे सिंपली येलो ऑकर और व्हाइट कलर को मिक्स करके गणेश जी की बॉडी में जो भी हाइलाइटेड एरिया है उस जगह के ऊपर कलरिंग कर ले रहा हूँ। तो आप लोग सिंपली वीडियो में देखो कि मैं कौन सी एरिया के ऊपर हाइलाइट कलर का यूज कर रहा हूँ। ओके तो पूरे बॉडी के ऊपर हाईलाइट बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउन कलर को थोड़ा पतला हुए में यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा वाटर मिक्स करके यहाँ पे बॉडी के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और लाइट वैल्यूज़ एंड मिडिल वैल्यूज़ के बीच में जो ट्रांजिशन है उसको बना ले रहा हूँ। तो आप लोग सिंपली वीडियो में देखो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ इसको, आप भी वैसे ही करना। ओके तो गाइस यहाँ तक मैंने जो बता सकता था वो मैंने बताया है। अब यहाँ से मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिंपली रेफरेंस पिक्चर की मदद से जहाँ पे जो जो कलर मुझे लग रहा है कि होना चाहिए वहाँ पे उस कलर का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग सिंपली वीडियो में देखो क्योंकि मैं इस चीज़ का ट्यूटोरियल नहीं दे सकता। ओके तो गाइज यहाँ पे मैं सिंपली गणेश जी की दोनों हाथों के ऊपर उसी तरीके से कलरिंग करूंगा जिस तरीके से मैंने पहले गणेश जी की बॉडी के ऊपर कलरिंग किया था। तो आप लोग इस पार्ट को ध्यान से देखो। तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैं कहाँ पे कौन सी कलर को यूज़ करने वाला हूँ और किस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। जब मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से एक्रेलिक पेंट को कर सकते हैं, तो तब मैं अच्छी तरीके से ज़्यादा ट्यूटोरियल ला के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग किस तरीके से एक्रेलिक पेंटिंग को अच्छी तरीके से कर सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।